और तब्दीली सरकार एक बार फिर नाकाम। एक हफ्ता इस्तेहकाम के बाद डॉलर फिर से महंगा, रुपया सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखने को मिला, जबकि कारोबार के दौरान 469 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा हुआ, ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता। डॉलर की कीमत में इजाफा, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। गुज़श्ता हफ्ते रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखने में आया, ताहम आज कारोबार के आगाज में रुपए की कदर में एक बार फिर कमी देखने में आई है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 58 पैसे इजाफे के बाद 148.50 रुपए तक पहुँच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 149 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब मनी मार्केट की तरह हिसेस बाजार में भी अच्छी खबरें नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ईद की तवील तातीलात से कबल कारोबार के आखिरी रोज भी मंदी के बादल छाए रहे। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 549 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जिसके इख्तिताम पर इंडेक्स 469 पॉइंट्स की कमी से 35,505 की सतह पर आ गया। तजिया कार स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में कमी की वजह बजट में नए टैक्सों के नाफिज किए जाने की खबरों को दे रहे हैं। इसके अलावा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस स्टॉक मार्केट में एनर्जी सेक्टर के हिस्से की मालियत में कमी देखने में आ रही है।